मैं वही सोच रहा था कि सर से बात नहीं हुई है। एक्चुअली मैं कुछ काम से बनारस आया था। अच्छा, तो हाँ, तो वही अब मुझे बात यह करनी थी। मैं ये सोच रहा था कि अब अपना अभियान जमीन पर कैसे उतारा जाए और विस्तार कैसे दिया जाए। जैसे अभी मध्य प्रदेश में 3 ब्लॉक सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना? हाँ, तो हाँ, ऐसे ही हर स्टेट में दो दो तीन तीन यदि ब्लॉक आदि अपन पकड़ पाते हैं तो हाँ, हाँ, सीड विल स्टार्ट फ्लोइंग, नंबर वन। नंबर टू, हाँ, देखो हमें सब जगह ज्वाइंट वेंचर का लीगल वो क्रिएट करना है, ठीक है ना? तो फार्मर्स के साथ करना है, हमें फार्मर प्रोड्यूसर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, हमें फिर जो है जो एग्रो इंडस्ट्रीज है उसके लोगों को जोड़ना है, जिससे कि उनके टूल्स इक्विपमेंट को हम यूज कर पाए और हम उनको इम्प्रूव कर पाए। मतलब हमारी सोच बिल्कुल ये नहीं है कि जो है उसको एजिटिज रखे, ठीक है ना? देन हमको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो चाहिए, स्पेशली गौशाला बनाने के लिए, स्पेशली उनकी गाय का पूजा सेंटर बनाने के लिए, उनको गाय को चारा खिलाने के लिए बनाने के लिए, गाय से जो है ना इंटीमेसी और वो सब जो है ना उन सेंटर को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना? फिर आपको गाय के लिए चारा वारा का भी एक अच्छा सा मॉडराइज जो ना स्टोरेज वो करना पड़ेगा। फिर आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी बड़े स्पेशलाइज सेंटर्स जो ना उसे क्रिएट करना पड़ेंगे, जिसमें मीथेन ईथेन और ये इथेनॉल एथेनॉल ये सब भी बनेगी। एंड साथ में जो है वी कैन यूज ऑल काइंड ऑफ द प्रोसेसेस इंक्लूडिंग माइक्रोस एटसेट्रा। तो ये सबको मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए इसके जो नॉलेज सेंटर्स हैं जो इसके वो हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको अपन को बाकायदा अपने ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा बनाना पड़ेगा। दे विल बिकम द ज्वाइंट वेंचर विद द सीएफबी, राइट? क्योंकि हमें जब तक हम एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे मान लो जिन गांव में अपन करते हैं उन गांव के रिटेल शॉप और उन सब से भी जो है ना अपना एक टाई अप होना होगा, हमें वहां पर जो है ना एक मतलब मेडिसिन वो भी करना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग देके लोगों को सीएफबी आयुष मॉडल के तहत हाउ वी कैन रियली रीच आउट एंड उनको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल करा पाए, ये सब चीजें भी करना है, ठीक है ना? आप जो है ना आदमी सिर्फ अकेली रोटी थोड़ी खाएगा, केला अमृत तुल चाहे आप जो है ना कुछ भी सब्जी दे दो चाहे कुछ भी दे दो, अकेले रोटी से तो काम नहीं चलेगा ना, उसको कपड़ा और मकान भी चाहिए, राइट? सो हाउ वी कैन हैव ए काइंड ऑफ इको सिस्टम जिसमें कि हम उनकी नीड के हिसाब से उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उनके लिए उनका आवास क्रिएट कर दें, हम उनके लिए टॉयलेट क्रिएट कर दें, ठीक है ना? एज पर देयर प्रेफरेंस, राइट? एंड हाउ वी कैन जो है ना रियली अब उनको अकेला जो है ना व्हाई दे शुड नॉट हैव ऑल काइंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाई दे शुड नॉट हैव मोबाइल्स, व्हाई दे शुड नॉट हैव लैपटॉप, व्हाई दे शुड नॉट हैव गुड टेलीविजन, व्हाई वी शुड नॉट हैव एवरीथिंग। जब उनकी अर्निंग जो है ना 2 लाख रुपए पर मंथ पर फैमिली हो सकती है तो व्हाई दे शुड नॉट लिव व्हाटएवर द लाइफ दे विश टू लिव। जी बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर तरीके के लोगों को अपने से जोड़ना पड़ेगा, एक फॉर्मल ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट करना पड़ेगा और इसको रीच आउट करने के लिए जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें LIC के मॉडल पे दे विल बिकम द ओपिनियन लीडर, दे विल बिकम द बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, राइट? उनका काम है कि जैसे आपने स्टेट को चुन लिया तो फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट पे चुने, फिर उसको नीचे चुने और वो जो है ना लग जाए बिल्कुल कि एक दिन में 10 लोगों का किया, कितने के ज्वाइंट वेंचर बन गए इस तरीके से। सो दैट ये वो जो है ना नॉलेज बांटने के लिए नहीं है, दे वांट टू कन्वर्ट, दे शुड कन्वर्ट इट इनटू ए रियल ज्वाइंट वेंचर लीगली साइंड बिटवीन द 2 पार्टी, सीएफबी एंड अवर फार्मर्स, मे बी एग्रो इंडस्ट्रीज, मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, मे बी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मे बी सैपलिंग, मे बी गौशाला, ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सब जो भी उस इकोसिस्टम के लिए जितना भी चाहिए, इंक्लूडिंग जो है ना जो शॉपकीपर्स है, रिटेलर्स है जो गाँव में, सो दैट वी कैन प्रोवाइड फुल बेनिफिट टू द विलेजर्स ऑल्सो और उनको हेल्थ से रिलेटेड आयुष मॉडल भी मिल जाए। जी बिल्कुल। नहीं, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल। तो ये सोच रहा था सर कि अब ये सोच से जुड़े हुए अपन को
आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन जो है ना स्टेट में हो सकते हैं, राइट। तो जैसे कुछ लोग आपने बताया, कुछ लोग दूसरे लोगों से भी, पाताल गंज झा जिससे जी से बात कर रहे थे, जो डीजे इनकम टैक्स थे, ठीक है ना जी, तो वो जो है ना वो भी सजेस्ट कर रहे थे कुछ लोगों के नाम, तो उनको भी अपन ले लेंगे। बिल्कुल, मैं उसमें क्या करता हूँ सर, कि जो हमारे जैसे वेजिटेरियन जो डॉक्टर है और कुछ जो तुम्हारे भरसा जैसे आदमी ना हो, मुझे तो बड़े फ्रॉड लगे आप। देखिए सर, अब चूंकि वो प्रोफेसर हैं, उनको मुझे लगता है कि हमारे लोगों की अभी उनको जरूरत नहीं लग रही है। उनकी क्या जरूरत है, उन्होंने क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया, उनका तो दाल रोटी यही है, उनको तो जोर से उनका तो काम ही यही है जो वो नहीं कर रहे हैं। मैंने 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 जो सोचा था, इसीलिए उनको जो है बात करके और जो है आपको नंबर फॉरवर्ड किया था कि कुछ एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, लेकिन वो किसी काम का बंदा नहीं है। और दूसरा कि मैं सोच रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन धरातल पर उतार करके इसके लिए काम शुरू करते हैं। देखो देखो, मेरा ये कहना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन जमीन पे उतरेगी तो टीम जो कि गांव में और जो भी अपने जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वन टू वन टॉक करे, उनके लिए प्रेजेंटेशन दे, उनको अपने फोल्ड में लाए, उनसे एग्री ज्वाइंट वेंचर के जो है ना डॉक्यूमेंट साइन करे, सो दैट वी शुड स्टार्ट ऑन ए वेरी फर्म फुटिंग एंड लेट इट बी ए फर्म लीगल फुटिंग। जी जी जी, मतलब देखो हम जो है ना उसमें गुड फेथ और वो वाला धंधा नहीं, तो हम भी जो कह रहे हैं इट इज ए लीगली इन्फोर्सेबल थिंग, ठीक है ना। तो जो हम आपको फायदे दे रहे हैं वो मूर्ख बनाने वाले फायदे नहीं है, दे शुड बी लीगली एनफोर्सेबल कमिटमेंट। जी जी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अपन को हर फील्ड के लोगों को चुनना पड़ेगा, उनके सेंटर्स को लेना पड़ेगा, उनसे ज्वाइंट वेंचर्स बनाना पड़ेंगे, एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट लोगों को विद इन जो है ना सीएफबी वैलेट ऑपरेट करते हुए दे कैन फुलफिल देयर ऑल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। जी जी, क्योंकि यदि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो एक पार्ट से काम नहीं चलेगा। उनकी रोटी कपड़े मकान भी होना चाहिए, उनका हेल्थ का पार्ट भी होना चाहिए, उनकी जो आजकल की वर्तमान आवश्यकताएं हैं वो पूरी होना चाहिए, उनके रेल टिकट और एयर टिकट का भी काम होना चाहिए, उनका जो है ना आजकल के जो नई प्लेटफॉर्म हो रहे हैं वो सब चीजें, वो विलेज क्यों शहर के लोगों का अकेला मिले, गांव के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। जी, क्योंकि अभी हमने तो एक सीएफबी एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन का मॉड्यूल भी सोचा। जी 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 जी, आपने सुना हो या ना सुना हो, अभी शायद अपलोड नहीं हुआ है। आपने मुझे बताया था। ओके, आपकी मेरी एक बार थोड़ी सी चर्चा हुई थी इस संदर्भ में। हाँ, तो मुझे याद है कि फिर मेरी अभी यही बात हुई थी कि एक बार हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक बार मीटिंग करते हैं, इस सिलसिले में उन्हें एक ज्ञापन देते हैं। मैं बहुत ज्ञापन ज्ञापन में भरोसा रखता नहीं हूँ, आई एम नॉट इन प्रोटेस्ट मोड। हमारा कहना है, हमें करके दिखाना है, हम कंस्ट्रक्टिव एग्रीमेंट करेंगे, प्रोटेस्ट करना ये करना ये इजी और चीप पॉलिटिक्स है। मुझे जो लोग जो नेता लोग अब तक करते आए वो तो बिल्कुल 200% नहीं करता। नहीं नहीं, नेतागिरी और नेता लोगों को जैसा काम ही नहीं करना है, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो उनका तो चक्कर ही है कि साला उन्होंने जो है ना वो कर दिया, चक्का जाम कर दिया, ये लिख के दे दिया, वो लिख के दे दिया, इससे तो नहीं हमारा वाला होना। जी जी, हमारा जो है वर्क मॉडल होना चाहिए जमीन पे काम करने वाला। जी जी, जब जमीन पे चीजें पायलट प्रोजेक्ट काम करना चालू कर जाएंगे तो अपने आप लोग भाग जो है ना उससे उनमें मोटिवेट भी होंगे, कन्विंस भी होंगे। जी जी, जवानी जमा खर्च हम क्यों करेंगे बताओ। जी 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 जी, है कि नहीं। बिल्कुल, तो सबसे पहले आप सूची बनाओ लोगों की हर स्टेट पे, यहाँ जितना भी हो, जो भी आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो, और लेट इट गो अप टू द गांव लेवल, विलेज लेवल, सो दैट जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं कम से कम वहां पे एक मॉडल चालू हो जाए ना। जी जी जी, है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ जी 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 सर जी, आपने ईमेल आईडी तो भेज दी थी ना अपनी। हाँ, मैंने आपको भेजा था सर।
अच्छा चलिए, तो फिर अपन जो है ना इसकी एक वीडियो के थ्रू बात करेंगे, जिससे जो हमारी बातचीत है वो उसकी रीच जो है ऑडियो की रीच कम होती है। वीडियो में आदमी आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख पाता है, इट बिकम्स मोर कन्विंसिंग। जी 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 नहीं जी जी चलिए लेट्स प्रे टू गॉड। ओके सर, चलिए एकदम आप स्वस्थ हो गए हो तो बढ़ जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी थोड़ा डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा सा अभी मेहनत करने से मना किया है, तो आप अभी और रेस्ट कर लो ना पहले। जल्दबाजी क्या है, कोई इतना जल्दबाजी थोड़ी है, पहले पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइए। अभी जी अभी एक बार वो जो है CBC ब्लड टेस्ट करने को देखें, अभी मतलब डेंगू का कोई असर तो नहीं है। जब तक आप अपने आप को फुल्ली हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप रेस्ट भी लीजिए और दवाइयां तो आप ले ही रहे होंगे। हाँ, जब आप एकदम पूर्णतः स्वस्थ महसूस करें तो फिर एकदम फिर पूरी ताकत से बढ़ जाए। जी सर, जी 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 चलिए चलिए शर्मा जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।